मुजफ्फरनगर अगर राष्ट्रीय लोकदल के युवा कार्यकर्ताओं में जोश भरने तथा अधिक से अधिक युवाओं को संगठन से जोड़ने के उद्देश्य से राष्ट्रीय लोकदल सुप्रीमो जयंत चौधरी के निर्देश पर आयोजित युवा संवाद एवं सदस्यता अभियान के तहत सर्कुलर रोड स्थित रालोद जिला कार्यालय पहुंचने पर युवा रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष वसीम रजा और युवा रालोद के क्षेत्रीय अध्यक्ष परमेंद्र तोमर का पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं द्वारा माल्यार्पण कर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। उल्लेखनीय है कि परमेंद्र तोमर युवा रालोद के क्षेत्रीय अध्यक्ष बनने के बाद आज पहली बार रालोद जिला कार्यालय पर पहुंचे। इन दोनों नेताओं के स्वागत एवं युवा कार्यकर्ताओं से परिचय के बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया, जिसमें युवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वसीम रजा व युवा रालोद के क्षेत्रीय अध्यक्ष परमेंद्र तोमर ने सभी युवा साथियों अधिक से अधिक संख्या में रालोद से जुड़ने की बात कही। इस दौरान रालोद जिलाध्यक्ष प्रभात तोमर, पूर्व मंत्री धर्मेंद्र सिंह बालियान, पूर्व मंत्री योगराज सिंह, वरिष्ठ नेता अभिषेक चौधरी, पूर्व जिलाध्यक्ष अजीत राठी, सुधीर भारती, ओमकार तोमर, हर्ष राठी, पराग चौधरी, अंकित सहरावास, विकास खाजान, संजय शर्मा, संजय राठी आदि मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, नवनीत शर्मा, मुजफ्फरनगर। जी, युवा संवाद चल रहा है। उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में युवा संवाद एवं सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। विभिन्न जिलों में, विभिन्न जनपदों में हम लोग इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। आज आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जयंत चौधरी जी के आस्था दिखाते हुए प्रदेश के विभिन्न जिलों में हजारों हजारों की तादाद में युवा राष्ट्रीय लोकदल से जुड़ रहे हैं। युवाओं में एक अलग जगह है, युवा आज त्रस्त है क्योंकि वो प्रदेश में ऐसी सरकार चाहता है जो नौकरी दे, जो रोजगार दे। और जो आज उत्तर प्रदेश के अंदर भय का माहौल भारतीय जनता पार्टी ने बना रखा है, उसको ख़त्म करने के लिए भी राष्ट्रीय लोकदल आज कटिबद्ध है। और हम लोग 2022 की तैयारी के लिए निकल चुके हैं, बहुत जल्द हम लोग और इसको तेज करेंगे। नहीं, अभी आपने मुझे बताया है, मेरी जानकारी में नहीं है, इस पर वरिष्ठ लोगों से डिस्कस करेंगे क्योंकि अगर वो राजनीतिक मंच होगा तो निश्चित तौर पर हम सब होंगे, लेकिन वो एक बार देखने की बात है कि वो किस तरीके का कार्यक्रम है। वो मंच केवल किसानों का मंच रहेगा, तो पंचायत, क्योंकि हम सब किसान हैं और वो किसान पंचायत है, तो हम लोग किसान की हैसियत से उसमें शामिल होंगे। अगर राजनीतिक दल नहीं है, लेकिन हम सब किसान हैं, किसानों के मुद्दों पे, किसानों की लड़ाई में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है हम सब लोग साथ हैं, तो हम किसान के रूप में उसमें शामिल होंगे। जी, मुजफ्फरनगर आए किस उद्देश्य से? आज राष्ट्रीय युवा राष्ट्रीय लोकदल का जो है सदस्यता अभियान चला हुआ, और हम सब पार्टी के जो कार्यकर्ता, हमारे सीनियर नेता, वो सब यहाँ मौजूद हैं। तो आगे 2022 का जो चुनाव प्रदेश में शुरू होने वाला है, राष्ट्रीय लोकदल उनकी चुनाव की तैयारी को लेकर, बूथ तक कैसे काम होगा, बूथ पर एक वोट 10 यूथ, उस रणनीति पर काम करेगा। और युवा संवाद कार्यक्रम को इसको आज जो राष्ट्रीय लोकदल ने नाम दिया है, तो हमारे जो युवा साथी हैं उनसे बात संवाद के माध्यम से हम राष्ट्रीय लोकदल को मजबूत करने का काम करेंगे और युवाओं को, सर्व समाज के युवाओं को राष्ट्रीय लोकदल से जोड़ने का काम करेंगे। आदरणीय जयंत चौधरी जी के नेतृत्व में 2022 का चुनाव राष्ट्रीय लोकदल का कार्यकर्ता संगठित हो गए, सर्व समाज के हितों की लड़ाई लड़ते हुए प्रदेश में सत्ता परिवर्तन का काम करेगा। आदरणीय जयंत चौधरी किसान, मजदूर, नौजवान को साथ लेके राष्ट्रीय लोकदल की सरकार बनाने का काम करेंगे। सभी वरिष्ठ और सम्मानित नौजवान कार्यकर्ता इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। किन मुद्दों पर ये चुनाव लड़ा जाएगा? आप देख सकते हो कि रोज महंगाई, पेट्रोल, डीजल, किसान, गन्ना भुगतान, इतनी सारी समस्याएं के जो सरकार के वादे थे, एक भी वादा सरकार अपना पूरा नहीं कर पाई। आज़ादी के बाद आज देश में पहली बार दिल्ली के गेट पे किसान आंदोलन करके बैठा है, सरकार बिल्कुल गंभीरता से नहीं ले रही, जबकि वहाँ लगभग 1000 किसान शहीद हो चुके हैं। कोरोना पीरियड में भी आदरणीय जयंत चौधरी जी और
देश के किसान नेता स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी ने जिस तरीके से आंदोलन को बचाया, किसान की आवाज को मजबूत किया, तो उसी मुद्दों को, महंगाई को, बेरोजगारी को, तो बढ़ते अपराध को, महिलाओं के साथ जो अभी आपने लोक प्रमुख की गए चुनाव में देखा होगा, मुझे नहीं लगता देश में किसी भी प्रदेश में इतनी शर्मनाक तस्वीर आप लोगों के सामने आई होगी। तो महिला सम्मान के लिए, नौजवान के रोजगार के लिए, ग्रामीण जो परिवेश है उसको संपन्न करने के लिए और समाज को, भाईचारे को मजबूत करने के लिए आदरणीय जयंत चौधरी जी और जो भी सहयोगी दल हैं, आदरणीय अखिलेश यादव जी, इन सबको लेकर सत्ता परिवर्तन का काम करेंगे। 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में महापंचायत हो रही है, क्या उसमें लोग इस पे यहाँ जो भी निर्णय होगा वो आदरणीय जो नेता बैठे हैं वो इसका जवाब वो देंगे।